नमस्कार साथियों, एमसीजी एकेडमी ग्वालियर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, लगातार मैं आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस वीडियो लेकर के आ रहा हूं और ये एक्सपीरियंस वीडियो का 21वां पार्ट है। इन भाई ने कुछ इस प्रकार की बातें बताई हैं कि इनको आपको एक बार तो ध्यान से सुनना ही होगा। यदि इनको नहीं सुना तो ये हमारी जब तक की अभी तक की जितनी भी एक्सपीरियंस वीडियो है, सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट एक्सपीरियंस वीडियो जो है इनकी रही है। तो ये 12 अगस्त को देने के लिए गए थे, लेकिन ये बहुत दूर था, इस कारण से 24 घंटे बाद मीन्स इन्होंने आज जो हमें वीडियो उपलब्ध करवा सके हैं। तो इनका एक्सपीरियंस पूरा ध्यान से ज़रूर सुनना है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो RPF ट्रेड टेस्ट के लिए जो नीचे मैंने चैनल क्रिएट कर रखा है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, कि आगे से जो कोई भी क्लासेस होंगी आप लोगों को उसी पर उपलब्ध होंगी। RPF ट्रेड टेस्ट की एक एक अपडेट आप लोगों को RPF ट्रेड टेस्ट नाम से चैनल बनाया है उसी पर अपडेट होने वाली हैं। इनको पूरे ध्यान से सुनिएगा और इनका सिलेक्शन हो चुका है। इनको यदि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर जो है पूछ सकते हो, क्योंकि आपके भाई लोग जो कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं उनका आंसर जो है अगली वीडियो में आप लोगों को आंसर मिल जाते हैं। तो आप लोगों ने जो कोई भी हमसे क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर आप लोगों को जो है इस वीडियो में उपलब्ध हो जाएंगे। ओके, तो इनका एक्सपीरियंस पूरा अंत तक पूरे ध्यान से सुनिएगा। सर नमस्कार, सर मैं MCG एकेडमी ग्वालियर से बोल रहा हूँ। सर जी, सर मैं रामसूत यादव बात कर रहा हूँ। सर सर आपका ट्रेड टेस्ट हो गया? हाँ जी सर, हो गया मेरा ट्रेड टेस्ट, और नासिक में था सर मेरा 12 अगस्त को। 12 अगस्त को था सर आपका? जी, सर आप अपना एक्सपीरियंस अपने भाइयों के साथ शेयर कीजिए सर, थोड़ा सा क्या क्या हुआ सर। बिल्कुल सर, और पहली बात तो सर आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, आपका पूरा वीडियो देखा मैंने। हाँ सर, शुरू से जो भी आप ऐसे जैसे कि जिस बच्चे का हो गया तो उनका मैं देखता था सर, पूरा सुनता था जो भी उनका एक्सपीरियंस था। हाँ सर, और जो आपने जो वीडियो डाल रखा है हाँ सर, उनको भी देखता हूँ, क्योंकि वो सर आपके थ्रू जो सर को बता रखा था ना सर, कि वो सर आए थे उनके हिसाब से आपने बताया था कि ऐसे बनाना है, ऐसे वहाँ से ये करना है। हाँ, तो उस हिसाब से मैंने पूरा फॉलो किया आपका वीडियो और मेरा सिलेक्शन जो होगा सर, तो मैं वाटर कैरियर करता था। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, थोड़ा सा आवाज सर आपकी ओर से थोड़ा सा और क्लियर आए तो अच्छा रहेगा सर, एक जगह स्थिर होके सर अपना अनुभव शेयर कीजिए। आपके भाई लोगों को जो है क्या क्या हुआ आपके साथ, क्या क्या करवा रहे हैं, सब कुछ आप बताइएगा, जिससे और भी लोग इसको सुनने वाले हैं सर, बहुत लोग सुनने वाले हैं इसको। जी जी सर, बताऊंगा सर, तो मेरा वाटर कैरियर का था सर। ये सर शुरुआत से बताइए सर, बिल्कुल 5:30 मॉर्निंग 5:30 से। सर हम गए थे नासिक में था सर मेरा, है ना। हाँ सर, तो हम वहाँ पे पहुँच गए थे सर, रात को ही पहुँच गए थे, तो उसके बाद में 3 बजे हम वहाँ पे निकल गए थे ग्राउंड के लिए सर। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा था कि सर पहले जाएंगे तो ऐसा पहले नंबर आ जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है सर। वहाँ पे क्या है कि मैं जैसे 3 बजे गया ग्राउंड में, तो वहाँ पे 5:30 बजे एंट्री होती थी सर। हाँ सर, हाँ, तो 5:30 बजे सबको अंदर ले लेते वहाँ पे। हाँ सर, बस वहाँ जब एंट्री होती तो वहाँ पे बस अपना एक ID प्रूफ और जो एडमिट कार्ड रहता बस वही चाहिए, और कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं देखते वो। हाँ सर, जैसे अपन को अंदर ले जाते तो अंदर ले जाके सब कुछ बनाए ऐसे, तो उसके वहाँ पे सबको बिठा लेते सर, 500 लोगों को ले जाते एक दिन में। हाँ, सबको इकट्ठा करके वहाँ पे, और उसके बाद में फिर लिस्ट लाते हैं जो भी सर वगैरह रहते हैं वहाँ पे। हाँ, फिर उसके हिसाब से वहाँ पे अपना नाम, जो भी नाम रहता है अपना नाम बताते हैं वो सर, और अपन को पापा का नाम बताना रहता है वहाँ पे सर। उसके बाद में फिर 20-20 का बेच बना देते थे वहीं से। 20-20 का सर? जी सर, 20-20 का बना के, और फिर अंदर बिल्डिंग में जो भी अपना जो रहता है ना उनके जो भी वहाँ पे बेच देते अपन को बिल्डिंग में सर। कुछ लोग बता रहे हैं सर 54-54 वो 56-56 लोगों का बेच बना रहे हैं सर। सर वहाँ पे जो मैं गया था सर 12 को, तो हमारा बेच में वहाँ से 20 का बना के बेच दिया था, फिर वहाँ से 14 लोगों का, मैं बता रहा हूँ सर ऐसा मेरे साथ जो हुआ था सर। हाँ सर, वो बताइए सर, आप बताइए सर। हाँ, तो वहाँ से बना के हमको अंदर बिल्डिंग में बेच दिया सर। यस सर, फिर वापस 20 का बना के हमारी बेच में भेजा था वो भी सर। ऐसा सर? हाँ, क्योंकि सर पानी का मौसम था तो जल्दी भी थी वहाँ पे, क्योंकि फिर बाहर खड़े रहते तो उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब रहते ना साथ में, तो सर उनको भी टेंशन की अगर कुछ हो तो प्रॉब्लम है ना सर स्टूडेंट को। हाँ सर, इसलिए तो फिर हमको एक हाल में 50 का बेच वहाँ पे हमारा हो गया था सर। मेरा लास्ट बेच था 8वें नंबर का बेच था। यस सर, यस सर। हाँ, तो बिल्डिंग में फिर बहुत टाइम तक वहीं बिठा के रखते हैं अपन को सर। हाँ सर, हाँ, उसके बाद में सर वो जो स्टाफ रहता है वहाँ पे पुलिस वाले रहते हैं वो सब बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा समझाते हैं अपन को सर। थोड़ा वो बता सकते हो सर, वो मतलब पुलिस वालों ने क्या क्या बोला था सर आपसे? सर स्टाफ भी वो जो हम भुसावल में हमारा वो होता ना सर रनिंग वगैरह, वही सर स्टाफ भी वो अच्छे स्टाफ है सर, जो अपन पूछते वो सब बता देते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे सब समझा देते हैं कि अंदर अपन को ये आपको ये करना है, ये ऐसा नहीं करना है, जो भी उनका एक्सपीरियंस रहता है वो सब बता देते हैं। यस सर। हाँ, उसके बाद में फिर
और भी दूसरे हाल में लेके जाते हैं। उसके बाद में फिर वहां पर अच्छे से बताते हैं कि आपको खाना बनाना है, इतने जना का बनाना है। वो बता देते हैं कि जितना एक जना का बोला तो एक रोटी बनानी है, दो का बोला तो दो, ऐसा मतलब वो अगर ऐसा नहीं बताना तो वो नहीं करना अपन को कि हमने बोला रोटी बनाने का तो अपन को दो नहीं बनाना है, एक ही बनाना है। अगर दो भी बना दिया तो तुम फिर भी फेल हो जाओगे, एक ही बनाना है। ऐसा सर? जी सर। तो हमारे बेच वालों से रोटी बनवाई थी सर। हाँ सर, तो बताइएगा सर वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट किस प्रकार के थे, क्या क्या चीजें थी सर, ये कुछ क्या है? बहुत से बच्चों के मैं एक एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। किसी भी बच्चे को कोई प्रश्न होता है सर, मैं उसे लिख लेता हूँ, उसके बाद आप सभी से जो कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करता है उनसे पूछता हूँ सर। सर तो हमारे बेच में फिर 14 लोगों का बेच बना देते हैं वहां से, जो हाल में से जब निकालते हैं ना बनाने के लिए सर, जब वहां पे ले जाते हैं अपन को खाना बनाने के लिए। हाँ सर। तो वहां से फिर 14 14 लोगों का अलग कर देते 50 में से। तो सबसे पहले नंबर मेरे ही था सर, हमारे 14 बेच में से। हाँ सर। तो जैसे ही हमको उठा के ले गए वहां पे बनाने के लिए। हाँ सर। तो सबसे पहले नंबर मेरे ही था। जैसे ही पहुंचे हम तो पहले से बना लेते, तो वहां पे थोड़ा सा 5 सेकंड 10 सेकंड पहले ही अपन को भेज देते अंदर हाल में। हाँ सर। तो वहां पे अपन को नहीं देखने देते कि हम क्या कर रहे हैं, पहले से ही अपन को मुंह बाहर की तरफ करवा देते। तो वहां भी ध्यान रखना है सर कि कोई भी बच्चा, कोई भी अपना भाई बंधु रहे, पीछे ना देखे, क्योंकि सर कैमरे लगे वहां पे, वो भी चेक करते कि कौन पीछे देख रहा है, तो उसके भी उनको बहुत वो इफेक्ट पड़ता है सर इस चीज से। हाँ सर। हाँ वो सर यही यही देखने के लिए 10 सेकंड पहले ले आते हैं, जिससे ये क्या है मूव कला किस प्रकार से बिहेव करते हैं। हाँ सर, वो सब देखते रहते हैं। अपन से कुछ नहीं बोलेंगे वो कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। एक बार हाल में घुसने के बाद में सर है ना, जितना अपन सोच सके उतना बस वो वहां पे जो भी चीटिंग वगैरह रहती है ये सब वो नहीं करना है। बस अपन को अपने हिसाब से फुल वो रहना अपन को कि अपन पता चला कि अपन में खड़े अपन पीछे देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, तो वो भी ये नोटिस करते हैं जो सर लोग बैठ रहे थे ना वहाँ पे। हाँ सर। वो ये नोटिस करते हैं कि ये कौन देख रहा है पीछे। बस यही है वहां पे कि अपन को जितना हो सकता अपना 100% दो, मगर दूसरे को ना देख के अपना खुद का देना बस वहाँ पे। यस सर जी। तो जैसे उनका बेच निकलता है तो अपन से बोल देते हैं कि अपने अपने जगह पहुंच जाओ। जो भी वहां पे भट्टे लगे रहते हैं बड़े वाले जो रहते हैं ना सर, उस पे जो चूल्हा है वो बड़ा वाला रहता है वहां पे, सिंगल सिंगल है, मगर सभी के लिए अलग अलग चूल्हे हैं, मतलब अलग अलग चूल्हे रहते हैं सर वहां पे। और एक स्टैंड पे 2 चूल्हे हैं वहां पे। ये मेरा एक साथ दो लोग काम करेंगे? दो लोग काम करेंगे, दो के बीच में एक ही लाइटर रहेगा। हाँ। है ना। हाँ। तो सबसे पहले सर जैसे ही मैं गया सर, क्या क्या सिंगल रहेगा सर? एक ही लाइटर रहेगा और क्या कहते हैं? लाइटर एक रहेगा और चिमटा अलग अलग रहेंगे। चिमटा और एक जाली रहती है सर वहाँ पे, वो रोटी जो सेकते हैं ना वो अलग अलग रहेगी, बस चिमटा एक रहेगा वहाँ। ओ सॉरी, वो क्या बोलते हो, लाइटर एक रहेगा दोनों के लिए। ओके सर। हाँ। तो जैसे ही मैं गया सर, तो मैंने तो क्या किया कि पहले तवा चढ़ा दिया सर उसपे। हाँ। तवा सर थोड़ा भारी है, थोड़ा उसका भी वो करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी इतनी है ऐसा कि अपने घर वाला थोड़ा छोटा रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसने वो हत्ता भी ले लेता है। हाँ। हत्ता नहीं रहता सर, पर कैसे चढ़ाया सर आपने? हत्ता नहीं था सर वहाँ पे, वो जो अपन बोलते ना वो संडासी वगैरह जो भी रहती है वहाँ पे ऐसा है, तो उसको उठा के अगर उस पर रखना है सर अपन को। हाँ सर। हाँ। तो उससे उठा के और उसको, और सर एक बात और है कि वहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जब अपन वो भट्टा को जो चलाते हैं ना सर चूल्हे को। हाँ सर। तो वो ध्यान रखना है कि शुरू में जब चलाते तो ज्यादा गैस नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी आवाज करती है वो एकदम जब निकलती है ना, क्योंकि उसमें रेगुलेटर नहीं रहता वो जो रहता है। हाँ सर। तो डायरेक्ट गैस निकलती है, तो वो ये भी चेक करते हैं सर लोग जो बैठ रहे थे वहाँ पे कि कौन कैसे चला रहा है उसको। हाँ सर जी। तो अगर तुम ज्यादा देर तक उसको निकाल भी रहे हो गैस, तो फिर वो भी नोटिस करते हैं सर। यस सर। तो हाँ, तो उसको अपन को ध्यान रखना है कि अपनी गैस ज्यादा आवाज नहीं करनी चाहिए, और आराम से चला के तवा रख दो सर पहले तो। हाँ। और हल्की चलाओ ताकि अपन जब तक गेरी वगैरह जब तक बनाओ तो वो इतना तेज गर्म नहीं हो कि अपन डालते के जल जाए रोटी, ऐसा भी हो जाता नहीं तो कहीं किसी के साथ वहां पे। तो मैं जैसे ही गया तो मैंने आराम से जला के उसको तवे को रख दिया। फिर वो जो आट रहता सर वहाँ पे बहुत गीला टाइप का रहता है सर, उसको भी थोड़ा ठीक करना पड़ता है पहली बार। हाँ सर। तो उसमें क्या एक नमक नहीं रहता, तो उसके बाद में वो बहुत चेट मतलब ऐसा हो जाता बिल्कुल, बहुत वो करके करना पड़ता वहां पे, नहीं तो बहुत अच्छी नहीं बनती रोटी उस आटे की। हाँ सर। तो उनने बोला कि बनाओ रोटी, तो मैंने पहले तवा रख दिया था हल्की गैस करके ताकि ज्यादा गर्म नहीं होए। सर वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपने बताया नहीं, से किस प्रकार के मतलब तवे किस प्रकार का था, मतलब बोलन तवा अपना जो था नहीं, जो अपना नॉर्मली रहता उससे बहुत बड़ा था तवा। यस सर। बहुत मोटा, मोटी साइज भी थी उसकी। यस सर। हाँ। और गर्म इतनी जल्दी हो जाता सर, बहुत जल्दी हो जाती, क्योंकि वो एल्यूम टाइप का रहता सर, वो जो भी रहता है लोहे के नहीं रहता है वो सर, दूसरा रहता है। यस सर।
हाँ तो उसको आराम से रख के, और इतने जब तक थोड़ा सा गर्म हो तब तक अपन घेरी ले लो, अगर अपन को लग रहा है कि ज्यादा गीला है तो पलेतन वगैरह सब रहता है वहां पे आटा एक्स्ट्रा में, हाँ उसमें लगा के अच्छी घेरी बना के और रोटी बेल लो। और जैसे डालोगे सर भाई ये ध्यान रखना कि ज्यादा टाइम तक नहीं देनी चाहिए, तवे में जब फर्स्ट बार डालते हैं ना अपन हाँ चिपक जाती है। चिपक भी जाती है सर, और उसमें काले काले धब्बे लग जाते हैं सर अगर जो ज्यादा टाइम हो जाता है उसमें। ज्यादा टाइम क्यों, हाँ तो 5-10 सेकंड ही अगर हो गया तो तुम्हारी रोटी गई, ऐसा है सर वहाँ पे। हाँ हाँ सर क्योंकि वैसे अपन छोटी बनाते हैं वहाँ पे तो, और तवा बहुत ऐसा रहता है तो बहुत जल्दी जला देता है, तो ये ध्यान रखना अपन को। और सर टाइम है वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी टाइम हो जाता है, टाइम दे देते हैं वो, ऐसा कुछ नहीं है सर, हाँ कि अपने रोटी आराम से बना सकते हैं अपन। हाँ सर तो जैसे अपने एक तरफ थोड़ी सी कम सेको, दूसरी तरफ डाल के थोड़ा सा कड़क कर लो, उससे थोड़ी सी ज्यादा, ज्यादा नहीं, उससे जब फर्स्ट साइड से ज्यादा कर लो थोड़ी सी, फर्स्ट थोड़ा साइज से थोड़ा सा ज्यादा कर लो पूरी सा ज्यादा, तरह। हल्का सा ज्यादा, ज्यादा भी नहीं करना, नहीं तो सर फिर वो फूलेगी नहीं, फिर अगर ऐसा भी किया तो सर वो भी हाँ दिक्कत हाँ सर है। फिर उसको चिमटा वो रखा रहता है सर, संडासी जैसा रखा रहता है, उस तवे को आराम से पकड़ के उठा लो, क्योंकि बहुत वजन है उसमें, तो ये भी ध्यान रखना, नहीं तो पता चले कि उसमें सर फिसल जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी हाँ सर वहां पे। तो आराम से उतार के चिमटा रखा रहेगा सर एक वहां पे, तो हाँ उसके बाद में फिर चिमटे को एक जाली भी रखी रहेगी जिस पर अपन को फिर फुलाना भी है रोटी सर, वो मेन है फुलाना तो सर, हाँ सर तो चिमटे कंपलसरी है मतलब सर। सर जो जाली पर है रोटी से जाली पर ही डालना है सर। हाँ सर जाली पे डालना है, अगर आपने ऐसे डाल दिया तो वो नीचे निकल जाएगी, क्योंकि जो वहाँ पे जो बर्नर रहता है वो बड़ा रहता है, तो अपनी रोटी नीचे निकल जाएगी और वो पूरी जल जाएगी सर, वो तो हो ही नहीं सकता फिर, अगर ऐसा करते तो मैं फेल हो जाओगे सर जी भी सही है सर आपका। जी। तो चिमटा चिमटे से पकड़ लो सर जाली को, और जाली पे रोटी ऐसे डालो कि बिल्कुल बीचे बीच रहे, एक साइड भी नहीं रहने, तो फिर भी दिक्कत आएगी, क्योंकि सर जाली पे जब वहां पे डालते हैं ना तो फिर फूलने में दिक्कत आती है सर वहां पे, क्योंकि एक साइड में ज्यादा आंच लगेगा उसमें, जो भी नीचे से जो भी वो रहेगा सर गैस का, तो हाँ सर ऐसा बीच में डालो ताकि पूरे में पूरी रोटी में अपना एक जैसा ताव लगता, जो भी अपना रहता है ना सर फूलने का, हाँ सर वो तो चिमटे से पकड़ के। और सर एक ये भी ध्यान रखना, वहां पे जब अपन जाली को उसके ऊपर भट्टी के ऊपर जब करते हैं फुलाने के लिए, तो हाँ ऐसा रखना कि भट्टी में अपन कितनी तेज चला रहे हैं उसको, नहीं तो पता चला कि अपने भट्टी तेज चल रही है, अपन ने जाली और नीचे कर दी तो सर वो जल जाएगी फट से सर, क्योंकि हाँ सर वो लोहे की वो जाली रहती है सर वैसे भी, हाँ सर और पहले से ही इतना तेज आग निकलती है तो वैसे जल जाएगी अपनी रोटी को। ये भी आपका कहना सही है सर। हाँ और इसके बाद में आराम से देख लो सर, अगर थोड़ी सी तेज है तो ऊपर कर लो उसको जाली को, इतनी ऊपर कि अपना रोटी फूलने लायक फूल जाए सर एक बस। बात मुझे बताइए सर, मेरे मन में ही एक डाउट है सर, रोटी मतलब बिल्कुल भी काली नहीं पड़नी चाहिए सर, सिकने में थोड़ा बहुत तो सर होता है ऐसा छोटे नहीं सर छोटे। ऐसा मतलब बहुत 19-20 चलेगा, बाकी अगर 17-18 हो गया तो फिर भी सर प्रॉब्लम है सर। मतलब थोड़ा बहुत काला हो जाए एक साइड से सर, वो ज्यादा सेकती है वो तो काला पड़ता ही है सर। नहीं सर इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि उन सर लोग को ऐसा लगे कि जला दी रोटी, मतलब हल्का सा तो रहेगा सर, अगर वो बना रहे हैं तो इतना तो रहेगा, वही तो सर वही मैं सोच रहा था सर। अगर ऐसा नहीं लगना चाहिए जैसे अपन रोटी देखते हैं तो कि यार ये जली हुई, ऐसा उनको वो महसूस नहीं होना चाहिए सर बस। हाँ सर उसके बाद सर तो उसके बाद सर जैसे अपना अगर रोटी कंप्लीट हो गया हाँ सर तो वहां पे एक प्लेट रखी रहती है सर, प्लेट में अपन रोटी को रख लो, और वहां पे वो स्टाफ घूमते रहते हैं सर, वो एक एक पॉइंट अपना नोटिस करते हैं कि कौन क्या कर रहा है, अपन से कुछ नहीं बोलेंगे सर मगर वो करते हैं ये सब। हाँ सर हाँ तो उसके बाद में तो अगर सर मेरे बीच में सबसे पहले मैंने ही बनाई थी सर रोटी, हाँ सर मेरी जैसे कंप्लीट हुई सर, मेरे को डर तो लग रहा था वहां पे, थोड़े से हाथ पैर भी ऐसे कांप रहे थे, पता नहीं अपने हाथ ही आपका देखा था, इसके बाद भी थोड़ा सा डर तो था अंदर से सर, क्योंकि पहली बार बनाई थी मैंने भी बच्ची से सर, कभी नहीं बनाई थी, मगर आपका वीडियो जो देखा तो उसमें थोड़ा सा हिम्मत हो गई कि चलो ठीक है जो भी होगा करेंगे अपना 100% देंगे, तो और मैं 28 जो उसमें पास जो होगा सर। हाँ सर तो फिर जैसे मेरी रोटी बनी तो सर लोग जो घूम रहे थे उन्होंने बोला कि सर को दिखा दो, हाँ तो सर मैं प्लेट में रख के सर रोटी, और जो वहां पे अपन भले अपना कचरा वगैरह कुछ नहीं होता ऐसा, एक रोटी बनाने में कुछ नहीं होता, फिर भी मैंने ऐसे साफ करके थोड़ा सा जल्दी जल्दी में सर, हाँ और सर के आगे रोटी थाली में रख के उस प्लेट में, और मैं सर के आगे खड़ा हुआ ऐसे जाते, सबसे पहले मैं ही गया था वहां पे हवाई बेच 14 लोगों की बेच में, हाँ तो मैं लगभग सर के सामने 5-10 सेकंड रुका होगा सर, इसके पहले भी मेरे बात कोई नहीं आया था वहां पे जब मैं खड़ा था सर रोटी लेके, हाँ उसके बाद सर ने बुलाया मेरे को, तो 3-4 लोग बैठे रहते हैं सर वहां पे ऊपर की साइड में, हाँ
उनने बुलाया मेरे को कि आया हूँ ऊपर। जैसे मैं गया मैंने सर से बोला, मैंने कहा सर आया हूँ, तो उनने बोल, फिर मैंने सर के सामने वो प्लेट रखी रोटी की, उनने रोटी उठाई और देखा कि फूली की नहीं, फूली रोटी, ऐसा देखा प्लेट के भी देखा ऐसा बोला, तो मैंने फुला दी थी सर रोटी, फूल गई थी मेरी। तो उनने फिर ऊपर ऊपर की पूरी खा ली सर, उनने मेरी रोटी में से निकाली, वो पतली कवर होती है ऊपर वाली, हाँ जो कवर रहती है ना सर, वो पूरी खा लिया था सर ने। हाँ। और बोला था कि और क्या क्या बना लेते हो, तो मैंने कहा सर सब बना लेता हूँ सर, खीर बना लेता हूँ, सांभर बना लेता हूँ, क्योंकि सर आपने बताया था पहले कि ये आएगा, तो उस हिसाब से मैं पहले ही आपको वीडियो देख के पहले सब गया था यहाँ से। हाँ सर, इनका ऐसा हो सकता है, ऐसा पूछ सकते हैं, तो मैं पहले से ही आपकी वीडियो देख के तैयार था, मतलब इस चीज से पहले। हाँ सर, तो मैंने जैसे सर ने बोला, सर ने इतना भी नहीं बोला कि वहाँ पे इतना भी नहीं बोलना है कि उनको एक्स्ट्रा लगे कि यार ये कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा बोल रहे, इतना भी नहीं बोलना है सर उनके साथ। हाँ हाँ ये भी इससे सही भी है। बहुत फर्क पड़ता है सर हाँ सर, इसको, हाँ इतना वो बोलते बस उतना कि ये बना लेता हूँ ऐसा बोलना मैंने। हाँ और उसके बाद में फिर उसके वेज में क्या क्या बना लेता हूँ, तो फिर मैंने उसका भी बता दिया कि चीज बना लेता हूँ सर, और इसके बाद में मीट बना लेता हूँ, चिकन बना लेता हूँ, ऐसा मैंने सब बताया उनको। हाँ सर, अच्छा, और तो क्या कुछ किया है क्या? मैंने कहा सर मैंने किया है ऐसा, पहले तो पार्टी वगैरह में जाता हूँ मैं, वहां पे बनाता है, उनसे मैंने बोल दिया सर। हाँ ओके चलो ठीक है, तो एक बार बोला था कि आपने तो पापड़ बना दिए रोटी का, मैंने कहा हाँ सर, मैंने कुछ नहीं बोला सर, बस मैं नीचे देख के खड़ा रह गया, मैंने उनका जवाब नहीं दिया, उन्होंने जो बोला ऐसा, तो थोड़ी देर तक वो मेरी तरफ देखते रहे और रोटी खाते गए ऐसा। और जब मेरी तरफ देख रहे थे तो मैं भी उनकी तरफ देख रहा था, मगर मैंने कुछ बोला नहीं उनसे, ऐसा कुछ उनको लगे कि यार मतलब एक्स्ट्रा कुछ बोल रहा है, मतलब उनको ऐसा नहीं दिखाना है सर अपन को। तो बस थोड़ी देर उनने रोटी खा के फिर मेरे को दे दी वो नीचे वाली किलो, और जाके टी के जाओ फिर, वो जो भी उनका रजिस्टर वगैरह रहता है तो उसमें सर अपन को नंबर तो नहीं बताते किससे के दे रहे, उनके हिसाब से फिर वो चढ़ा देते हैं उसमें, फिर अपन को भेज देते हैं सर। और फिर सबका जब हो जाता है तो फिर बाद में रिजल्ट आता है सर उसका, लगभग आधे घंटे बाद सबका देते हैं। और जब मैं रोटी बना के तैयार हो गया था, मैंने ऊपर भी चला गया सर को जब बता दी ना सर, उसके बाद मेरे बाद वाले आए थे सर दो तीन, तो ऐसा भी है सर वहाँ पे जितनी तुम जल्दी बनाते हो, और अगर सर ने ऊपर बुला लिया तो लगभग मतलब 60 के समथिंग आपका वहाँ पे क्लियर होगा ऐसा समझो, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ऐसा भी है कि जो जल्दी बना के ले जा रहा है ना सर, उसका थोड़ा ज्यादा चांस है। हाँ। वो ये भी नोटिस करते हैं, क्योंकि सर टाइम के बाद तो सभी लोग बना लेते हैं, वो अच्छी भी बना लेते हैं ऐसा कुछ नहीं, मगर टाइम भी होना चाहिए सर वो मैनेज। सर उसके बाद सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताइए सर। और डॉक्यूमेंट्स में सर एक तो जो केंद्र वाला सर्टिफिकेट रहता है सर वो कंफर्म सर उसका मतलब सर उसका कैसा मतलब कैसा रहता है, मतलब पूरा इंग्लिश में रहता है? तहसील से बनता है सर, तहसील में जाके वहाँ पे वहीं पे बनता है सर। पूरा इंग्लिश में रहता है सर कि हिंदी में भी? हिंदी में नहीं रहता सर, इंग्लिश में वाला चाहिए वहाँ पे, हिंदी में नहीं चलेगा। हाँ सर, हाँ इंग्लिश में रहेगा वो तो कंफर्म ही है सर, वो होना चाहिए, और उसके बाद में 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। सर उसका कलर कैसा होता है, सेंट्रल की जाति का जी कलर कैसा होता है उसका? व्हाइट कलर का रहता है सर, नॉर्मल ही रहता है वो, ऐसा कुछ नहीं अलग से। हाँ सर, हाँ तो ऐसा नॉर्मली रहता है। 10th 12th ये है, और जो इसके साथ में जो सर्टिफिकेट रहता है ना 10th 12th का सर, हाँ सर वो भी होना चाहिए, तो उसकी कॉपी होना चाहिए, मतलब दो सेट तो अपन यहीं से बना के ले जाओ, वो एक रखते हैं बाकी दो होना चाहिए अपने पास, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं है सर। मेरे को थोड़ी दिक्कत आई थी वहाँ पे कि मैं इसकी फोटो कॉपी नहीं लेकर गया था सर, 10th 12th की तो लेके गया था, मगर जो इसके सर्टिफिकेट रहते ना उसकी नहीं लेके गया था सर। हाँ सर, तो वो चाहिए, वो ध्यान रखे कि वो हर स्टूडेंट लेके जाए, हर भाई लेके जाए वहाँ पे, तो उनको प्रॉब्लम नहीं आए। और उसके बाद में सर लाइसेंस अगर हो तो बहुत अच्छा है सर, वो भी चाहिए वहाँ पे लाइसेंस, और उसकी जितनी ओरिजिनल लेकर लेके जा रहे हैं उसका हर सेट में होना चाहिए, उसकी कॉपी होना चाहिए सर वहाँ पे। हाँ सर जी, और उसके बाद में एक तो केंद्र वाला हो गया सर अपना। हाँ? और उसमें राज्य वाला भी, जो अपना राज्य वाले रहता ना तो जाति का। हाँ सर, वो और आई का, और उसके बाद में मूल निवासी का, ये तीन होने चाहिए सर। सर मतलब सर अपना राज्य वाला भी होना चाहिए सर? हाँ राज्य वाला भी ले रहे हैं सर, दोनों चाहिए मतलब? हाँ दोनों चाहिए। हाँ सर, हाँ और मूल निवासी भी साथ में। हाँ सर, और उसके बाद में आईडी प्रूफ में अपन वो लगा दो सर, एक अपना गाड़ी का लाइसेंस जो देता है वो लगा दो सर। मतलब कुछ भी लगा सकते हैं आई कोड आई प्रूफ में? हाँ सर ये, मगर वो बोलते हैं कि अगर लाइसेंस है तो वो लगा दो, वो थोड़ा बेटर है सर। हाँ सर, हाँ
सर आप कहाँ से हो सर? बेसिकली सर आप कहाँ के रहने वाले हो सर? सर मैं एमपी राजगढ़ से, एमपी राजगढ़ के रहने वाले हो? राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट है सर, ऐसा सर। सर बहुत बहुत सर, आप अपने भाइयों से कुछ ऐसा कहना चाहोगे जिससे सर थोड़ा वो मोटिवेट हो सर? सर और एक वीडियो में सुना था सर मैंने, भाई लोग कुछ बता रहे थे आपकी वीडियो में, जैसे कि अभी आप बोल रहे थे, बोल रहे थे कि वहाँ के महाराष्ट्र के ज्यादा ले रहे, ऐसा कुछ नहीं है सर, वो सब वो गलत है सर। हाँ सर, ऐसा कुछ नहीं, अगर आप बेटर अगर करते हो अपना 100% अगर वहाँ पे देते हो तो आपका हो जाएगा, और ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि सर वो अधिकतर वहाँ इसलिए फेल हो रहे हैं कि काम सब करते हैं मगर घबराहट में क्या थोड़ा गलत कर लेते उसके चक्कर में फेल हो रहे हैं, बाकी अगर बिना घबराहट के अगर कुछ कर रहे हो तुम तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है सर की महाराष्ट्र की ज्यादा ले रहे हैं या वहाँ की ज्यादा ले रहे, ऐसा कुछ नहीं। सर मतलब सेंट्रल की जाति का सर मुझे एक बार और बता दीजिए, मुझे खुद कन्फ्यूजन है सर, हिंदी में ही होता है कि इंग्लिश में ही होता है सर वो? सर इंग्लिश वाला चलेगा वहाँ पे, हिंदी में नहीं चलेगा सर। ओके सर, मतलब उसको ऊपर लिखा हुआ होगा उस पे मतलब? हाँ वहाँ पे जब बनवाते तो हिंदी का भी बनता है इंग्लिश का भी बनता है, मगर वहाँ पे इंग्लिश वाले चलेगा, अगर आप तो देखना चाहो तो मैं आपको फोटो भेज सकता हूँ सर व्हाट्सएप पे, कैसा सर व्हाट्सएप पे कॉपी भेज देना जिससे आपके भाई लोगों को थोड़ा मतलब मिल जाए जानकारी। हाँ वहाँ पे भेज दूंगा सर वहाँ पे, और हाँ मैं भेज दूंगा सर। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना जो कीमती समय अपने भाइयों के लिए निकाला सर। जी सर, और मैं तो ये कहता हूँ सर कि ये जो हो पाया है आपके उससे ही हो पाया है सर, क्योंकि मैं इतने दिन से देख रहा था डेली का वीडियो देख रहा था, तो अपने आप में थोड़ा सा हो गया था कि हाँ मैं निकाल दूंगा बस, इसको जो मैं गलती कर देता हूँ वहाँ पे मेरी सुधर गई थी पहले आपके वीडियो की देख के, और जो भी अपना भाई लोगों ने इसके पहले कुछ जो बोला उनका देख के सर मेरा हो गया। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, भगवान आपको जो उम्र भर शुभकामनाएं दी, आपकी सर जो सिलेक्शन नौकरी हो गई है सर, जॉब लग चुकी है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर आपका जो वीडियो सर आपको 12 बजे एमसीजी एकेडमी ग्वालियर पर उपलब्ध हो जाएगा सर। ओके सर, थैंक यू जी सर, बस सब भाई लोगों को यही कहना है कि बस घबराए नहीं वहाँ पे, और अपना बेस्ट से बेस्ट देने की वो करे सर, हो जाएगा कोई दिक्कत। ओके सर, सर आप अपना जो है सेंट्रल के सर्टिफिकेट का फोटो जरूर भेज देना जिससे भाई लोगों को थोड़ा फॉर्मेट देखने को मिल जाए। जी जी सर, मैं भेज दूंगा, और ये इसमें का बनवा लो सर, वहाँ पे कोई नहीं रोकेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे। ओके ओके, और ऐसा भी नहीं सर, अगर जिसका नहीं हो पाया तो ऐसा नहीं कि वो वहाँ देने ही नहीं जाए, वहाँ देने आराम से चल जाए, नहीं बना तो टाइम दे देंगे। हाँ सर, और उसके पहले आप फिर डबल से जाके वहाँ दे सकते हो, मगर प्रॉब्लम होगी सर इससे अच्छा भी बनवा लो तो। अच्छा हाँ सर, जब इतना एक्सपीरियंस घर बैठे ही मिल रहा है तो बनवा लीजिए, अच्छा रहेगा। हाँ क्योंकि वो तो कंपनी मतलब चाहिए चाहिए वो तो। हाँ सर, हाँ तो इससे अच्छा अभी बनवा लो तो 3-4 दिन लगेंगे बनाने में, तो वहाँ बन जाएगा। हाँ सर जी, सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।